ऑल इंग्लैंड ओपन 2018 पीवी सिंधु ने मानसिक ध्रुवों को नोजोमी ओकुहारा पर कटर जीत से बचाया। पहला सेमीफाइनल में प्रवेश। एक संभावित विश्व चैंपियन शुक्रवार को बर्मिंघम एरिना में काम कर रहा था। पीवी सिंधु ने प्रभावी रूप से राक्षसों को आराम देने के लिए मजबूर किया, जो कि जापान के नोजोमी ओकुहारा को 2017 विश्व चैंपियनशिप फाइनल में ग्लासगो में अपने बेहद संकीर्ण हानि के कारण अपने दिमाग को खत्म करना चाहती थी। मैं कम से कम जापानी एस को नॉकआउट पंच एक डॉलर मिलियन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल ग्लासगो में ओकुहारा में 110 मिनट की 1:09:22:20:22 हार के बाद बर्मिंघम में 1:74:22:21:18 की जीत के साथ सिंधु काटकर अपने पहले ऑल इंग्लैंड सेमीफाइनल में एक स्तर पर जो उसके प्रतिद्वंदी साइना नेहवाल ने पिछले दो सत्रों में हासिल किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विलोमी भारतीय को यह उम्मीद करना छोड़ दिया गया था कि दोनों मैचों को किसी तरह उलट कर दिया जा सकता था। इस प्रकार विश्व में स्वर्ण और रजत पदक के बीच के अंतराल को समाप्त कर दिया जा सकता था। शुक्रवार को अदालत में ले जाने वाले सिंधु को इस प्रमुख प्रतियोगिता में अपने पहले दो मैचों में देखा गया अनिश्चित उबाऊ खिलाड़ी से अलग था, क्योंकि चाक पनीर से है, जबकि पहले चार राउंड में पोटा पोइटर च्वांग और निचाव जिंदा पॉल के थाई दो समूहों के साथ नो चार बीड्स ने लगभग सताया था। वह तेज और सातवें वरीयता वाले ओकुहारा के खिलाफ केंद्रित थी। यह महसूस करते हुए कि पिंटाकार के खिलाफ एकाग्रता में थोड़ी सी भी पर्ची जापानी डायनामो घातक होगा। शाब्दिक रूप से दो प्रमुख एथलीटों को अलग करने के लिए कुछ नहीं था। शैलियों को छोड़कर खेलना सिंधु सभी आक्रामकता थी। रैलियों पर हावी और सब कुछ फेंकने परों को हरा में रसोई के सिंक की तलाश करते थे, जो सभी कठोर रक्षा के साथ सशक्त अवशोषित कर लेते थे और यहाँ तक कि लाभांश संलग्न के साथ वापस लौटते थे। न तो खिलाड़ी एक ब्रेक व लीड ले गया था और पहले गेम के प्रगतिशील अंक चार्ट में लगभग दो अंतर्निहित रूप से मिलनसार प्रेमियों की तरह एक आकस्मिक सादृश्य को रोजगार के लिए दिखाया। मैच की प्रगति के रूप में एक पैटर्न स्पष्ट हो गया। सिंधु ने रैलियों को कम रखने के लिए किताब में सब कुछ की कोशिश की, जबकि ओकुहारा ने कोनों की जांच करने और खेलने में शटल रखने पर ध्यान केंद्रित किया, उम्मीद करते हुए कि उनके भयानक रहने की शक्ति अंततः शेष राशि में तौला जाएगा। अब तक एक रैली खत्म हो गई, जो कि जापानी खिलाड़ी इसे जीतने की संभावना अधिक हो गई, क्योंकि भारतीयों ने घुमावदार देखा और अगली रैली को लॉन्च करने या सामना करने के लिए तैयार होने में अपना समय ले लिया। केवल दो मौकों पर ही इस तरह से अवशोषित तांग। पहला गेम था जब दो प्रतिद्वंद्वियों में से एक ने दो अंक का नेतृत्व किया और यह हर बार 6:4, 8:6 और 15:13 में सिंधु था। अंतिम बार जब एक खिलाड़ी ने दो अंक का नेतृत्व किया तो ओकुहारा ने गेम के लिए अगले तीन अंक हासिल करने के लिए उसके खिलाफ 19:20 की स्थिति को उलट दिया। सिंधु से असफल लाइन चुनौतियों की कसौटी के बाद ओकुहारा ने अंतिम दो अंक जीता और उसके स्ट्रोक्स ने किनारे पर मिलीमीटर निकाले। दूसरी कतरनी इसी तरह की रेखाओं पर चलती है। छोटे से जापानी स्टार के साथ, जिन्होंने 2016 में ऑल इंग्लैंड का मुकुट जीता था, एक तिरछे निर्देशित हमले के साथ रैलियों का विस्तार करने की कोशिश में उसके प्रतिद्वंदी को कोर्ट को कवर करने के लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया। सिंधु ने इस गेम में लीग की तुलना मैं थोड़ा अधिक असमानता थी। 14:11 और 16:13 में फायदा उठाते हुए मैच में एक और केवल समय के लिए अस्थायी तौर पर अपना ध्यान गनवाए। ओकुहारा की श्रेय के लिए यह कहा जाना चाहिए कि वह अचानक उसकी गति को बढ़ाकर और एक आउट आउट हमले के
लिए स्विच करके आश्चर्यजनक रूप से अपने विरोधी को ले गया एक चाह में। उसने 13-16 घाटे को निष्क्रिय कर दिया और आगे बढ़कर 18-16 कर दिया। सिंधु की ओर भी अधिक विश्वसनीय प्रतिक्रिया, खासकर जब वह सीधे गेम में टाई हारने के खतरे में थी। अपने प्रतिद्वंदी की गति से मुकाबला करना और उसके खिलाफ हमले को कुचलने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे ओकुहारा को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और बचाव के लिए टॉस का इस्तेमाल किया। रैली में दूसरे दौर में भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 5 अंक पर आने के लिए अपनी प्रतिद्वंदी को लगातार हारे हुए बनाए रखने के लिए उपयोग नहीं किया। दूसरे गेम को स्वीकार करने के लिए 2 बार और चौथे स्थान पर पहुंचा और सिंधु को स्तर पर वापस पाने की इजाजत दे दी शर्तों। विश्व चैंपियन ने निर्णायक में 4-1 और 5-2 की बढ़त के साथ तेज तरार शुरुआत की, लेकिन भारतीय ने गहरा खोदकर फायदा उठाया। 8-6 सेकंड आगे बढ़ने के लिए एक लगातार ओखुरा, एक गहरा बैकहैंड को ओवरहेड स्ट्रोक में परिवर्तित करने के लिए धनुष की तरह पीछे की ओर झुकाता है। नींबू के समय में सीमांत 11-10 की बढ़त के साथ चला जाता है, जिसने शत्रुताओं की बहाली के बाद उसे 14-11 तक विस्तृत किया।